ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पर सीटीईटी पर्यावरण शिक्षण के क्रम में आज हम आपसे बात करेंगे आपके सिलेबस के एक महत्वपूर्ण बिंदु जहां पर आप पाते होंगे कि पर्यावरण शिक्षा। तो यहां पे पर्यावरण शिक्षा की हम आज आपसे बात करेंगे स्वरूप और उसके उद्देश्य के बारे में। और आज हम आपको एक ऐसी दृष्टि विकसित करने का प्रयास करेंगे जहाँ से आपके अंदर एक अवलोकनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पर्यावरण शिक्षा के स्वरूप की, तो हम सबसे पहले नंबर पर कहते हैं यहाँ पर कि पर्यावरण पर्यावरण विषय पर्यावरण विषय की शिक्षा, पर्यावरण विषय की साफ क्या शिक्षा, अर्थात प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षक को पर्यावरण विषय की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब अगर यदि हम इस स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य की बात करें, तो साहब कहते हैं कि ज्ञानात्मक स्तर की इस यहाँ पर क्या करना चाहिए, ज्ञानात्मक स्तर पर या बालक के ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए इस पर्यावरण विषय की शिक्षा के तहत शिक्षा उसे प्रदान की जानी चाहिए। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्रम पे कि पर्यावरण विषय की शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले मूल बात कि हम पढ़े समझेंगे यहां पर कि पर्यावरण विषय की शिक्षा से प्रारंभिक स्तर पर एक बात होती है कि एक शब्द आता है समस्या, दूसरा शब्द आता है साहब क्या निदान, और तीसरा क्या आता है साहब समाधान। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि निदान और समाधान को एक ही अर्थ में समझा जाता है, लेकिन यहां पर यह अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। हम बात करें अगर समस्या की, तो आप प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं के शिक्षक हैं, उस प्रारंभिक स्तर पर बालक को शिक्षण का कार्य आप कर रहे हैं, तो उस नन्हे बालक की समस्या क्या हो सकती है, उस नन्हे बालक की समस्या क्या हो सकती है। तो इस क्रम पर ध्यान देंगे कि उस यहाँ पे अगर हम उसके समस्या की बात करेंगे, तो हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि उस प्रारंभिक स्तर के बालकों की जो समस्या होगी, वह उसके वातावरण में क्या होगा कि वातावरण के वस्तुओं से उसे परिचित कराना होता है। अर्थात आपने भी अपने व्यवहारिक स्तर पर यह अनुभव किया होगा कि आप दुकान पर गए और वहां उस दुकान पर आपने देखा कि कोई कलर रैपर में कोई वस्तु रखी और उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमारे मन में या हम दुकानदार से सबसे पहला चीज यही पूछते हैं कि यह क्या है। तो इसी आधार पर जो सबसे प्रथम बिंदु होता है कि बालक को उनके परिवेश के बारे में या उस परिवेश की वस्तुओं विषय वस्तुओं के बारे में पता नहीं होता है, और बालक क्या करते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर बालक को इसे परिचित कराना, अर्थात परिवेश के परिचय की उनकी समस्या होती है। निदान किसे कहते हैं साहब, निदान कहते हैं कि समस्या समस्या के कारण को जानना, समस्या के कारण को जानना साहब क्या कहलाता है निदान कहलाता है। और समस्या के कारण को जान लेने के पश्चात समस्या समस्या को दूर करना, समस्या को दूर करना साहब क्या कहलाता है समाधान कहलाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें इस प्रारंभिक स्तर पर कि पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरण के विषय में शिक्षा की हम जब बात करते हैं, तो सबसे पहला बिंदु यही आता है कि इस स्तर पर शिक्षक को उसके परिवेश की वस्तुओं से या उसके परिवेश में जो विषय वस्तुएं विद्यमान है उसे परिचित कराना चाहिए। इस क्रम पे जो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि शिक्षक को सर्वप्रथम बालक के परिवेश से खुद परिचित होना चाहिए। जब शिक्षक बालक के परिवेश से खुद परिचित होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह बालकों के पूर्व ज्ञान को वह बेहतर तरीके से साहब क्या कर पाएगा समझ पाएगा। तो एक शिक्षक बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर उसके वातावरण से परिचित कराना ही पर्यावरण विषय की शिक्षा कहलाती है। मतलब हमने क्या देखा कि बालक के पूर्व ज्ञान को समझते देखते हुए, उसके आधार को समझते हुए वातावरण या की वस्तुओं से वातावरण के
वस्तुओं या उद्दीपकों से परिचय कराना या परिचित कराना ही पर्यावरण विषय की शिक्षा कहलाती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस स्तर पर उद्देश्य की, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान देंगे कि इस प्रारंभिक स्तर पर जब आप पर्यावरण विषय की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो यहाँ पे शिक्षक का दायित्व होता है कि वह बालक के स्मृति स्तर को प्रभावित करते हुए वह शिक्षा प्रदान करें, बालक के स्मृति स्तर को प्रभावित करते हुए शिक्षा प्रदान करें। यदि हम इसके अगले बिंदु की बात करें कि इसको और सरल शब्दों में क्या कहा जा सकता है, तो कहते हैं कि बालक याद करके सीखता है, अर्थात बालक को प्रारंभिक स्तर पर विषय वस्तुओं को याद करके सिखाना चाहिए। अगर हम इसके एक उदाहरण की बात करें तो हम कहते हैं कि बालक के परिवार में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, उन सदस्यों के परिचय के क्रम में आपने बालक को बताया कि ये देखो तुम्हारी बुआ, ये कौन है, तुम्हारी बुआ है। अब बालक उस चेहरे की उस आकृति को बुआ के नाम से क्या कर लिया साहब, उसने याद कर लिया, वो नित प्रतिदिन उन्हें देखता है और उस चेहरे को उसने बुआ के नाम से याद किया। अब कुछ दिन बाद उसकी बड़ी बहन आती है और आप परिवार के सदस्य बताते हैं कि देखो तुम्हारी ये भी बुआ है, तो बालक कहता नहीं मेरी बुआ सिर्फ कौन है, ये है। तो यहां पर आपको ये स्पष्ट तौर पे समझना पड़ेगा कि बालक के पूर्व ज्ञान को समझते हुए बालक के वातावरण की वस्तुओं से परिचित कराना ही हमारी पर्यावरण की शिक्षा कहलाती है। और इस स्तर की जो हमारी शिक्षा है वह बालक के स्मृति स्तर को प्रभावित करती हुई होनी चाहिए, अर्थात बालक वस्तुओं को याद करके सीखता समझता है। तो हमने यहाँ पर पहले क्रम पर जाना। अब अगर हम इसके दूसरे क्रम की बात करें या यहाँ पे दूसरे बिंदु की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, तो दूसरे बिंदु के तहत आप यहाँ पर जानेंगे कि दूसरा बिंदु कहता है कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा के क्रम में बालक का जो बालक के उद्देश्य या उसका कौन सा पक्ष प्रभावित करना है, तो साहब यहाँ पर समझेंगे कि बालक का भावात्मक पक्ष प्रभावित करना या बालक का भावात्मक पक्ष प्रभावित होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा क्या होती है, कि अभी तक बालक को आप स्मृति स्तर की शिक्षा दे रहे थे जिसको वो याद कर सकता है, जिसको वह अपने पर्यावरण में रोजाना देखता है और देखते देखते उसे याद कर लेता है। लेकिन अब बात बदल गई, अब बालक जब वस्तुओं से परिचित हो गया तो अगले क्रम पर प्रश्न करता है क्यों, कैसे, कैसे इत्यादि प्रश्नों को अब वो पूछने लगता है। और इन कब, क्यों, कैसे इत्यादि प्रश्नों के उत्तर के लिए यहाँ पे शिक्षक का दायित्व तो होता है कि वह बालक के समझ स्तर को प्रभावित करते हुए। यहाँ पे समझ से क्या तात्पर्य है कि अब बालक पूछता है कि अगर पृथ्वी पर या धरती पर जल ना हो तो क्या होगा, अगर जल ही जल हो तब क्या होगा, अगर बारिश ना हो तो क्या होगा, या बारिश क्यों होता है। तो यहां पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और शिक्षक का दायित्व है कि वह बालक के समझ स्तर को ये देखे कि किस उदाहरणों से, किस प्रकार व्यवहारिक ज्ञान से बालक बेहतर ढंग से समझ पाएगा, उसको प्रभावित करते हुए बालक के समझ स्तर को प्रभावित करते हुए शिक्षा को प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे भावात्मक शिक्षा के, पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष की जब हम बात करते हैं, तो इस भावात्मक पक्ष के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या बालक के समझ स्तर को प्रभावित करना है। लेकिन इस समझ स्तर को प्रभावित करने के साथ ही साथ ये जो भावात्मक स्तर है इसमें प्रेम दया करुणा प्रारंभिक स्तर का चिंतन और इस तरह के जो जितनी भी बातें होते, अगर हम और कहें
तो सहानुभूति इत्यादि कौशलों का क्या करना, बालक में विकास करना। साहब ये कैसे कौशल है, भावात्मक स्तर के कौशल हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पे समझेंगे कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा के क्रम में अब बालक को क्या करना है कि क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों को बालक के समझ के आधार पर क्या करना है कि बालक को समझाना है, और साथ ही साथ बालक का वातावरण के प्रति, बालक का उसके पर्यावरण के प्रति जो हम समझ विकसित कर रहे हैं उसमें प्रेम, दया की भावना, करुणा की भावना, प्रारंभिक स्तर पर वह चिंतन करे और लोगों के बीच में सहानुभूति इत्यादि कौशलों का साथ ही साथ विकास करना होता है। अब हम अगर यहाँ पर इसके तीसरे क्रम की बात करें कि तीसरे क्रम में अगर हम ध्यान दें कि तीसरा क्रम क्या है पर्यावरण शिक्षा का, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि वह सबसे अति महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अब इस तीसरे क्रम में हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण की क्या साहब, शिक्षा। अब ये पर्यावरण के संरक्षण की जो शिक्षा होती है वह उसके क्रियात्मक उद्देश्य में क्रियात्मक पक्ष को प्रभावित करने वाली होती है। अब चलिए हम यहाँ पर उसी तरह से देखते हैं कि ये पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा के तहत साहब हम ये बात जानेंगे स्पष्ट तौर पर कि यहाँ पर इस स्तर पर बालक को जो ज्ञान होना चाहिए वह गतिविधियों के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पे साहब, गतिविधियों के आधार पे। अर्थात आपने ये सुना होगा कि अगर गतिविधियां संचालित कराई जाए या अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो आप एक शब्द सुना होगा आपने कि कर के सीखना। साहब क्या, कर के सीखना। तो इस कर के सीखने के क्रम में जो होती है वो बालकों के द्वारा गतिविधियां कराई जाती हैं। अब बालकों के द्वारा गतिविधियां क्यों कराई जाती है, हम इस बात की चर्चा करें तो हम यहां पर सीधे तौर पर समझते हैं कि बालक के व्यवहार, बालक के व्यवहार को जानने और समझने के लिए। क्योंकि बालक जब गतिविधियां करते हैं तो उससे बालक गतिविधियों के क्रम में बालक के व्यवहार का प्रदर्शन होता है और शिक्षक बालक के व्यवहार को क्या करता है, अवलोकन करता है या ध्यान से देखता है। अब इस ध्यान से देखने के क्रम में क्या करता है कि वह पर्यावरण के साथ बालक के व्यवहार को मैत्रीपूर्ण ढंग से जोड़ने का प्रयास करता है। साहब क्या करता है कि वह मैत्रीपूर्ण ढंग से जोड़ने का प्रयास करता है। वह ऐसा क्यों करता है, क्योंकि बालक का जो समस्त व्यवहार है वह उसके वातावरण या पर्यावरण के प्रति कैसा हो सके, तो साहब वह सहायक हो सके। और यहां पर अगर हम बात करें कि क्रियात्मक की, तो कहते हैं कि करके सीखना इस स्तर का उद्देश्य होता है। अर्थात जब बालक गतिविधियां कर रहा है तो वह क्या कर रहा है, करके सीख रहा है। अब इस स्तर पर ध्यान देंगे कि इस स्तर पर शिक्षण के क्रम में बालक को प्रदूषण और उसको दूर करने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ बालक को विभिन्न खाद्य सामग्रियों में मिलावट वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शहरी और ग्रामीण नियोजन, अर्थात आपने ये सुना होगा कि विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपरों में निकलता है या कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि वहाँ से बालकों से सुझाव मांगे जाते हैं कि आपके शहर या आपके गाँव को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, ऐसे 5 बिंदु को बताएं। तो ये ग्रामीण और शहरी नियोजन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, पर्यावरण शिक्षण से संबंधित संग्रहालय क्लब इमारतों में लेकर के जाना, और इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के माध्यम से आप बालक को क्रियात्मक पक्ष की शिक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पर हमने ये महत्वपूर्ण बात समझा कि पर्यावरण संरक्षण की जो शिक्षा है वह गतिविधियों के आधार पर बालक के व्यवहार के प्रदर्शन के लिए कराया जाना चाहिए, ताकि जिससे बालक का व्यवहार उसके वातावरण या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो सके, जिससे बालक वहां पर अपने आप को वातावरण के सहायक के रूप में प्रस्तुत कर सके। तो यहाँ पर हमने आपसे बातचीत किया सीटेट के पर्यावरण में पर्यावरण शिक्षा और के स्वरूप और उसके उद्देश्य के क्रम पे। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू।